जादू देखना सबको पसंद होता है और जादू देखने के बाद सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जादूगर ने ऐसा कैसे किया होगा। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आज आप जादू के पीछे के राज यानी ट्रिक्स को जानने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिले। डेविड कॉपरफील्ड्स डेथशॉ। हिस्ट्री के सबसे कमर्शियली सक्सेसफुल जादूगर डेविड कॉपरफील्ड ने एक ऐसा एक्ट किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस एक्ट में उन्होंने अपने शरीर को एक जाइंट कटिंग शॉ की मदद से दो हिस्सों में काट दिया। उन्होंने इस इल्यूजन को इतनी सफाई से किया कि कम से कम देखने वालों को तो यही लगा, लेकिन उन्होंने सच में अपने आप के दो टुकड़े नहीं किए थे। इस जादू के पीछे का असली सीक्रेट अब आप जानेंगे। दरअसल इस एक्ट में मैजिशियन अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका असिस्टेंट जिसका कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा नीचे था और दोनों की बॉडी को इस तरह अलाइन किया गया था जैसे वो एक ही आदमी का शरीर हो। और ये सब इस टेबल की वजह से संभव हुआ जिसमें नीचे की तरफ इतना जगह था कि वहां आदमी का आधा शरीर आराम से आ जाए और टेबल के दोनों पोर्शन में इतनी सी दूरी रखी गई जिससे ब्लेड उसमें अंदर तक जा सके। जादूगर की ऊपर की बॉडी आगे थी और पीछे का हिस्सा असिस्टेंट का था और इस तरह इस ट्रिक को कॉपरफील्ड ने बहुत ही चतुराई के साथ पूरा किया। डार्सी ओक्स पिजन फ्रॉम फेदर। डार्सी ओक ने ब्रिटेन गॉट टैलेंट में अपने जादू से सबको हैरान कर दिया जिसमें उन्होंने पंखों को जलाकर उससे कबूतर बना दिए। लेकिन उन्होंने आखिर ऐसा कैसे किया, चलिए थोड़ा करीब से देखते हैं। जो पंख आप यहाँ देख रहे हैं वो पंख नहीं है बल्कि एक स्पेशल टाइप का पेपर है जिसे फ्लैश पेपर कहते हैं। फ्लैश पेपर जादूगरों द्वारा यूज किया जाता है जिसे जलाने पर एक फ्लैश या कहें तो फ्लेम पैदा होती है जिसकी आड़ लेकर जादूगर तेजी से अपना काम कर लेता है और ऑडियंस को पता तक नहीं चलता। तो इस केस में डार्सी ओक ने फ्लैश की आड़ में क्या किया होगा? दरअसल उन्होंने फ्लैश की आड़ लेकर अपने लेफ्ट स्लीव में बने पॉकेट जो आप यहाँ देख सकते हैं उसमें पहले से मौजूद पिजन को बाहर निकाला, जो ऑडियंस को देखने में ऐसा लगा जैसे वो कबूतर उस फ्लैश से ही पैदा हुआ है। जेम्स मोरेज स्वॉर्ड स्टैबिंग। जेम्स मोरे ने ब्रिटेन स्कॉट टैलेंट में एक शानदार स्वॉर्ड ट्रिक किया जिसमें उन्होंने अपने आप को तलवार के नोक पर बैलेंस किया जो बाद में उनके शरीर के आर पार हो गई। इसमें पहले उनके दो असिस्टेंट उन्हें तलवार की नोक पर रखते हैं और कुछ ही सेकेंड बाद वो तलवार उनके शरीर के आर पार हो जाती है जिसे देखकर ऑडियंस हैरान परेशान हो जाती है, जिसके बाद दोनों असिस्टेंट भागकर आते हैं और उन्हें नीचे उतारते हैं। और ये क्या, वो तो बिल्कुल ठीक है। वहां मौजूद किसी को भी यकीन नहीं होता है आखिर ये उन्होंने किया कैसे। तो दोस्तों ये रहा सीक्रेट। दरअसल जेम्स ने कपड़ों के नीचे बेल्ट की तरह एक सपोर्ट पहना था जिसके बीच में ऐसा एक स्लॉट था। जब उनके असिस्टेंट्स ने उन्हें तलवार की नोक पर रखा जो इस तरह डिजाइन था कि उसका टिप अंदर को चला जाए और बाकी ऊपर का हिस्सा जादूगर की बेल्ट में बने स्लॉट में फिट हो जाए और इसी की वजह से जादूगर अपनी बॉडी को हवा में स्लॉट के टिप पर बैलेंस कर पाया, लेकिन उसी समय तलवार उनके आर पार हो जाती है जो दरअसल फेक डिवाइस था जो बेल्ट के ऊपर के हिस्से में लगा था और उसके बाहर की तरफ निकलने से ऐसा इल्यूजन पैदा हुआ जैसे तलवार जादूगर के आर पार हो गई। थी ना कमाल की ट्रिक। डेविड ब्लेन्स वॉमिट फ्रॉग। ऐसे लोगों को आप खतरों के खिलाड़ी कह सकते हैं जो जिंदा जीव मकड़ी को अपने मुंह में डाल ले, लेकिन हम जिस ट्रिक की बात कर रहे हैं वो इससे भी एक लेवल आगे की है। डेविड ब्लेन ऐसे ही खतरनाक मैजिक करने के लिए जाने जाते हैं जो जिंदा दफन हो चुके हैं, कई दिनों के लिए बर्फ के अंदर रह चुके हैं और सबसे खतरनाक लंदन के ऊपर एक बॉक्स में 44 दिन तक बिना खाने के बिता चुके हैं। इन्होंने एक बार एक ऐसा जादू किया जिसमें इन्होंने अपने मुंह से जिंदा मेंढक निकाला और इसके बाद जब सबको यकीन हो गया कि उनका मुंह अब खाली है वो एक के बाद एक जिंदा मेंढक अपने मुंह से निकालते रहे। तो आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया? अब यहाँ इस जादूगर की एक बात अलग है, उनके ज्यादातर एक्ट उनकी सहन शक्ति प्रैक्टिस और स्किल की वजह से होती है, ना कि कोई भ्रमित करने वाली ट्रिक।
इस केस में भी उन्हें इसे करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। और फाइनल एक्ट करने से पहले उन्होंने सच में जिंदा मेंढक को निगला और अपने पेट में होल्ड करके रखा और सही वक्त आने पर उन्हें बाहर निकाला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। दरअसल ये एक्ट 1930 के फेमस जादूगर हाजिद अली करते थे और इसमें अपने स्टमक मसल को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस की जाती है और उसे मास्टर करने के बाद ही इस एक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। डेविड ब्लेन ने भी लगभग 6 महीनों तक इसकी प्रैक्टिस की, जिसके बाद उन्होंने अपने मुंह से मेंढक निकालकर सबको हैरान कर दिया। डेविड कॉपरफील्ड्स डिसअपीयरिंग स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फेमस अमेरिकन मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड ने एक बार पूरी की पूरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उसके सामने अपने बने हुए स्टेज से गायब कर दिया और फिर कुछ ही देर बाद उसे वापस भी ला दिया। खैर, देखने वालों को तो यही लगा, लेकिन पूरी की पूरी ट्रिक एक परफेक्टली प्लान्ड इल्यूजन थी। इस ट्रिक को करने के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक पर्दे से ढका गया जिससे ऑडियंस उसे ना देख सके। इसके बाद पूरे के पूरे स्टेज को ही दूसरी तरफ घुमा दिया गया, जिसके बाद पर्दा गिरा और स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब। कम से कम ऑडियंस को तो ऐसा ही लगा। पर्दे को फिर से चढ़ाया गया और स्टेज को वापस उसी पोजीशन में ला दिया गया और इस बार जब पर्दा गिरा तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वापस अपनी जगह पर था। स्टेज की लाइट्स को इस तरह सेट किया गया था कि ऑडियंस को समझ ना आए कि स्टेज के साथ क्या हो रहा है। साथ ही लाउड म्यूजिक बजाया गया ताकि उसकी वाइब्रेशन से ऑडियंस डिस्ट्रैक्टेड रहे। ऑडियंस को स्टेज के घूमने की भनक तक नहीं लगी क्योंकि इसके हर पहलू को पहले से ही अच्छे से प्लान किया गया था और स्टेज को बहुत स्लोली रोटेट किया गया। ये एक कमाल की ट्रिक थी और बहुत लंबे समय तक ये ऑडियंस के लिए एक सीक्रेट ही बनी रही। माइकल जैक्सन एंटी ग्रेविटी लीन। ये ट्रिक किसी जादूगर ने नहीं बल्कि किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन ने परफॉर्म की थी। ये ग्रेविटी डिफाइंग स्टंट उनके सबसे फेमस स्टेप्स में से एक थी। माइकल जैक्सन ने ये स्टेप सबसे पहले अपने म्यूजिक वीडियो क्रिमिनल में किया था, जिसके बाद वो अलग अलग लाइव शोज में इसे करते थे और ऑडियंस को ये बहुत पसंद आता था। ये ट्रिक किया जाता था एक स्पेशल जूते की मदद से जो स्पेशली माइकल जैक्सन के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें उनके हील्स में एक स्पेशल ग्रूव बनाया गया था जो स्टेज में लगे बोल्ट में फंस जाता था, जिससे एमजे का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता था और वो अपना ये एंटी ग्रेविटी लीन मूव आसानी से परफॉर्म कर लेते थे, जिसे पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत पसंद किया। वैनिशिंग लिक्विड ट्रिक। ये ट्रिक देखकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। एक आदमी दूध से भरे जग को पेपर के कोन में खाली करता है, लेकिन एक मिनट, कहां गया दूध? बता सकते हैं क्या हुआ होगा यहां? इस ट्रिक में मैजिशियन ने एक जग यूज किया जिसके अंदर कुछ इस तरह बनी एक पतली परत में सारा दूध मौजूद था, जिससे देखने में जग बाहर से भरा हुआ लगता है और इसमें ऊपर की तरफ एक कट है। जब मैजिशियन ने जग को टेढ़ा किया तब सारा लिक्विड जग के अंदर के भाग में चला गया और असल में पेपर में कोई लिक्विड गया ही नहीं। जेमी रेविंस गोल्डफिश ट्रिक। ब्रिटेन गॉट टैलेंट के फेमस मैजिशियन जेमी रेविन जादू से एक पानी के ग्लास में गोल्डफिश ले आते हैं और सबको हैरान कर देते हैं। आखिर वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? दरअसल उनका सारा सीक्रेट है उनके इस रुमाल में, जिसे वो पानी के ग्लास को कवर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके इस रुमाल में एक पॉकेट है जिसमें गोल्डफिश पहले से मौजूद है, जिसे वो ग्लास के टॉप पर रखते हैं और धीरे से खोल देते हैं और रुमाल के हटते ही ग्लास में गोल्डफिश तैरती हुई मिलती है। अब आपका सवाल होगा कि एक मछली रुमाल में पानी के बिना जिंदा कैसे रह सकती है? तो ये रहा गोल्डफिश फैक्ट। गोल्डफिश डायरेक्ट हवा से सांस ले सकती है जब तक उसके गिल्स मॉइस्ट यानी गीले रहें। शिमलिम्स गॉड इल्यूजन। शिमलिम ने अमेरिका गॉड टैलेंट में एक शानदार कार्ड ट्रिक परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका गॉड टैलेंट के एक जज को डेक में से एक कार्ड पिक करके उस पर साइन करने के लिए कहा। वो कार्ड था क्वीन ऑफ स्पेड, जिसे शिमलिम्स ने वापस डेक के बीच में रख दिया और बिना छुए सिर्फ उस पर हाथ घुमाते ही वो कार्ड डेक के टॉप पर आ गया। तो
तो आखिर कैसे किया उन्होंने ये? अगर आप ध्यान से देखें तो जो डेक उन्होंने पकड़ा है उसके टॉप कार्ड में एक क्रीज है, क्योंकि ऊपर का कार्ड एक नकली कार्ड है जो कुछ इस तरह का है। उसके आगे बने फ्लैप से ऐसा लगता है कि उसके नीचे और भी बहुत से कार्ड हैं, लेकिन जो साइन किया हुआ कार्ड वो अंदर डालते हैं वो बस उस नकली कार्ड के नीचे जाता है, जिसके बाद शेन लेम्स उस पर अपना हाथ घुमाते हैं और ऊपर का कार्ड फोल्ड होकर उनके दूसरे हाथ में हटा लिया जाता है। हालांकि इसे करने के लिए भी बहुत सी प्रैक्टिस चाहिए, और इस तरह वो इस अमेजिंग ट्रिक से सबको हैरान कर देते हैं। रिचर्ड जोन्स कार्ड ट्रिक। रिचर्ड जोन्स ब्रिटेन गॉट टैलेंट के विनिंग कंटेस्टेंट हैं। उन्होंने अपने फाइनल एक्ट में एक कार्ड ट्रिक की, जिसमें उन्होंने जज अमांडा का साइन किया हुआ कार्ड पहले फाड़ा, फिर उन पीसेस को जलाने के बाद कार्ड को वापस उसी कंडीशन में ले आए। फटे हुए कार्ड को वापस ले आए, लेकिन कैसे? आखिर कैसे किया उन्होंने ये? दरअसल जिस कार्ड पर साइन हुआ वो एक नहीं बल्कि दो कार्ड थे, जिसका एक पोर्शन आपस में जुड़ा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने पहले कार्ड को हाफ में फोल्ड किया, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला कार्ड खोला। अंदर वाला साइन कार्ड अब भी हाफ फोल्डेड है, और फिर उन्होंने साइड से कार्ड को फोल्ड किया और खोला सिर्फ ऊपर वाला कार्ड, जिससे अंदर वाला साइंड कार्ड फोल्ड होकर एक कॉर्नर में चला गया, जिसके बाद उन्होंने कार्ड के चार टुकड़े कर दिए। फटे हुए बाकी टुकड़ों को उन्होंने बड़ी होशियारी से अपने राइट हैंड में ले लिया और ओरिजिनल साइन कार्ड को अपने लेफ्ट हैंड में ही रखा। लाइटर निकालने के बहाने फटे हुए टुकड़ों को अपनी जैकेट में डाल लिया। अब बड़ी सावधानी से उन्होंने साइन कार्ड पर लगे एक्स्ट्रा पीसेस को लाइटर से जलाया और एक्चुअल साइन कार्ड को खोल दिया।